2022 के आखिर में अजय देवगन की एक मूवी आई थी जिसने एडवांस बुकिंग से लेकर रिलीज होने के बाद तक बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी और इस फिल्म का नाम था दृश्यम 2 और ये फिल्म दृश्यम मूवी का सीक्वल थी और लोगों ने भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया था और लोग दृश्यम 3 का भी इंतजार शिद्दत से कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अजय देवगन अपनी एक और फिल्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, 2018 में आई रेड फिल्म तो आपको याद ही होगी जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही और इसके चलते इस फिल्म के प्रोड्यूसर और अजय देवगन ने ये फैसला कर लिया है कि अब रेड 2 भी बननी चाहिए और मेकर्स रेड 2 मूवी की स्टोरी और स्क्रिप्ट पर काम भी स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर बात करें फिल्म की कास्ट की तो अभी तक अजय देवगन के अलावा किसी भी एक्टर का नाम सामने नहीं आया है और काफी समय पहले फिल्म का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था लेकिन फिल्म पर काम शुरू नहीं हो सका। लेकिन अब फिल्म पर काफी तेजी से काम स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत जल्द फिल्म का कोई टीजर वीडियो भी रिलीज किया जा सकता है और फिर फिल्म को लेकर काफी कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि फिल्म हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं फिल्म रेड 2 को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।